हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। आईफोन XR यूज़र्स के लिए एप्पल ने एक नया अपडेट रोल आउट करा है। 17.2.1 का ये नया लेटेस्ट अपडेट है। इस अपडेट में आपको कौन कौन से नए चेंजेस अपने आईफोन XR पे देखने को मिलेंगे और कौन कौन से बग्स को एप्पल ने फिक्स किया है इस नए अपडेट में, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ में बात करेंगे बैटरी हेल्थ के बारे में और बैटरी बैकअप के बारे में। बैटरी हेल्थ और बैटरी बैकअप कैसा देखने को मिलने वाला है जब आप अपने डिवाइस को अपडेट कर लोगे इस नए लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। सो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं गाइज आज की इस वीडियो को। सबसे पहले इस अपडेट का साइज़ आप नोटिस कर सकते हो। आईफोन XR के ऊपर आपको 163 MB देखने को मिलने वाला है। इस अपडेट को मैंने इंस्टॉल किया है 17.2 के लेटेस्ट अपडेट से। और बात करते हैं इसके नए चेंजेस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक नया बिल्ड नंबर देखने को मिलने वाला है आपके iOS वर्जन में, 21C66। पहले आपको शायद 62 देखने को मिलता था जो पुराने वाला अपडेट था 17.2 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस अपडेट का साइज़ भी काफ़ी बड़ा था पुराने वाले अपडेट में तो, बट ये जो अपडेट है इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है। वो क्यों? क्योंकि इसमें आपको कोई भी नया फीचर तो देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसमें बहुत से बग्स को एप्पल ने फिक्स किया है। तो यहाँ पर बात करते हैं अब आपके आईफोन की स्टोरेज आपको फ्री होकर मिलेगी या इंक्रीज़ होकर मिलने वाली है। यहाँ से आप देख सकते हो 26.72 GB ऑक्यूपाइड हो रखी है, 128 GB में से यूज़ हो रखी है। चलिए चेकआउट करते हैं अपडेट करने से पहले की जो स्टोरेज है वो क्या थी। 26.19 GB यूज़ हो रखी थी, अब यहाँ से आप देख सकते हो 26.75 GB यूज़ हो रखी है। मतलब कि थोड़ी सी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुकी है, फ्री नहीं हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस आईफोन का सिस्टम डेटा कितना था, 6.48 GB, 6.31 GB। थोड़ा सा सिस्टम डेटा जो है वो डिक्रीज़ हुआ है इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। अब बात आती है बैटरी हेल्थ की, जो सबसे ज़्यादा मेन रहती है। बैटरी हेल्थ 85% है, 85 से नीचे अभी तक भी नहीं आई है आईफोन XR के ऊपर बैटरी हेल्थ। क्योंकि जब से मैंने iOS 17 के अपडेट को इंस्टॉल करा है और यूज़ करना शुरू किया है, इस प्रोसेस में 3 या 4 मंथ हो चुके हैं, तो इसमें बिल्कुल भी बैटरी हेल्थ लूज़ नहीं हुई आईफोन XR के ऊपर। तो ये एक प्लस पॉइंट है आईफोन XR यूज़र्स के लिए। आप बिना किसी प्रॉब्लम के इस नए अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो अपने आईफोन XR के ऊपर। और बात करते हैं ये अपडेट एप्पल ने क्यों प्रोवाइड करा है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस के साथ ये एक सिक्योरिटी अपडेट आता है जो कि हर एक यूज़र के लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि इसमें बहुत से इश्यूज फिक्स करे गए हैं, जैसे कि एयर ड्रॉप का इशू। एयर ड्रॉप जो था वो जब आप एक से दूसरे आईफोन में शेयर करते हो अपनी फ़ोटोज़ वीडियोस को, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, उसको एप्पल ने फिक्स किया है। ये जो प्रॉब्लम है वो मैंने खुद यहाँ पर फेस करी है इन दोनों डिवाइसेस के ऊपर जो कि आईफोन XR और आईफोन 13 है, क्योंकि मैं डे टू डे रूटीन में इनको यूज़ करता रहता हूँ और फोटोज़ वीडियोज़ को शेयर करता रहता हूँ। तो मेरे को बार बार अपने वाईफाई को या अपने ब्लूटूथ या एयरड्रॉप को ऑफ़ करना पड़ता है, फिर उसे ऑन करना पड़ता है और फिर जाकर ये मेरे को शो करता है दूसरे वाले आईफोन का जो नेम होता है। तो उस कंडीशन को एप्पल ने इसे फिक्स किया है इस नए अपडेट में, और साथ में नोटिफिकेशंस और यहाँ पर लॉक स्क्रीन और वेदर से रिलेटेड भी बग्स को फिक्स करा गया है। तो ये कुछ नए फीचर्स, नए चेंजेस आपको इस नए अपडेट में देखने को मिलने वाले हैं आईफोन XR के केस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।